अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाहिन अर्जुमंद और आपको आज की इस नई वीडियो में वेलकम कहती हूँ। अक्सर ख्वातीन कहती हैं कि हमें घर की ब्लीच से वो लुक नहीं मिलता जो पार्लर की ब्लीच से मिलता है, तो आज मैं आपको वही सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी जो पार्लर वाली अपनी ब्लीच में यूज़ करती हैं और एक इंस्टेंट ग्लो और एक ज़बरदस्ती चमक आ जाती है। आजकल के मौसम में सबसे ज़्यादा मसला होता है हमारी स्किन की ड्राइनेस का। हमारी स्किन खुश्क हो जाती है और खुश्क होकर फटने लगती है, और फिर जब हम ब्लीच यूज़ करते हैं तो स्किन बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ब्लीच बनाना बताऊंगी जिसके इंशाल्लाह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और एक ऐसा नेचुरल ग्लो लेकर आएगी जो सिर्फ आपको पार्लर वाली ब्लीच से ही मिलता है। तो आइए देखते हैं ये होममेड ऑर्गेनिक ब्लीच कैसे तैयार होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी वैसलीन, क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन खुश्क हो जाती है, अकड़ जाती है, तो हमारी जिल्द को नमी देने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी इन्ग्रीडियंट है। यह आपने लेनी है 1/4 स्पून यानी एक चम्मच का चौथाई हिस्सा। नेक्स्ट हम लेंगे ब्लीच पाउडर, लेकिन आप जो भी ब्लीच यूज़ करते हैं वही लेंगे, सिर्फ जो चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं वही इस ब्लीच को मोर इफ़ेक्टिव और पार्लर वाला रिजल्ट ओरिएंटेड बनाती है। तो ये पाउडर आपने 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। ये क्वान्टिटी फेस के लिए है। अगर आप इसको हैंड्स या फीट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पाउडर आपने 1 टेबल स्पून लेना है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे स्किन ड्राई नहीं होगी और एक पार्लर वाला लुक जो कि हज़ारों खर्च करके मिलता है वो आपको घर पर ही मिल जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल। ये इवियन कैप्सूल है जो कि आपको आसानी से फार्मेसी से मिल जाएगा। और आपने अक्सर मेरी रेमेडीज़ देखी होंगी कि एक तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेमेडी शेयर नहीं करती और दूसरा मैं वही रेमेडी शेयर करती हूँ जो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ। अब इसमें 1 टेबलस्पून लिक्विड डालना है और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब मैं आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट का बताती हूँ और इसमें ऐड भी करती हूँ जो कि मोस्टली पार्लर वाली हमारे सामने ऐड नहीं करती, और यही वजह है और फ़र्क है घर और पार्लर वाली ब्लीच का। और वो इंग्रेडिएंट है खुश्क दूध। यह आपने बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वान्टिटी के हिसाब से 1/2 टेबलस्पून ऐड करना है, और ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अप्लाई करने के बाद मैं इसको वॉश करने का सही तरीका भी बताऊँगी जो कि अक्सर ख्वातीन गलती करती हैं, और इसका रिज़ल्ट भी आपको इंस्टेंट ही मिलेगा, यानी ये इंग्रेडिएंट ऐड करने से रिज़ल्ट लेट नहीं मिलेगा। तो आपने इस तरह से ब्रश के साथ इसे अप्लाई कर लेना है, और जो लुक हम पार्लर की ब्लीच के बाद लेते हैं वो आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में इसके रिज़ल्ट के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आपके लिए स्पेशल विंटर में लाई हूँ। और मेरे साथ भी पहले ऐसे ही होता था कि सर्दियों में कभी ब्लीच करती थी तो स्किन एकदम से रेड हो जाती थी, ड्राई होके फट जाती थी। फिर जब मैंने ये ब्लीच अप्लाई करना शुरू की तब से मुझे एक ज़बरदस्त सा नेचुरल ग्लो मिला और ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई। अगर आपने हाथों पे अप्लाई की है तो 20 मिनट और फेस पे अप्लाई की है तो 15 मिनट के लिए आराम से छोड़ देना है, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने खुद देख लेना है ड्यूरेशन। लेकिन इसमें मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उससे स्किन पर बहुत ज़्यादा जलन नहीं होगी जो कि नॉर्मली ब्लीच अप्लाई करने से होती है। तो ये देखें, 15 मिनट हो गए हैं और मुझे कोई जलन फील नहीं हुई, कोई स्किन रेड नहीं हुई, बल्कि इस ब्लीच को यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट हो जाएगी, और आपकी स्किन पे जो ग्लो लुक आएगा वो आप ख़ुद भी देखकर हैरान हो जाएंगे। अब मैं आपको इसको वॉश करने का तरीका भी बता देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में हमारा सबसे बड़ा मसला ही खुश्क जिल्द है। और वैसे भी 15 से 20 मिनट तक ब्लीच भी लगाई है, हाथ वैसे ही ठंडे हो गए हैं, तो आपने इसको नीम गर्म पानी से वॉश करना है। तो आप इस तरह से एक टिश्यू ले लें और इस तरह से इसको उतार लें, और आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त सा इफ़ेक्ट आया है, बिल्कुल पार्लर वाला लुक, और मेरी स्किन पे कोई जलन नहीं हुई, कोई रेडनेस नहीं हुई। तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा इसके रिज़ल्ट के बारे में। तो बहुत उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।